दोस्तों आइए हम लोग क्लास 11th का पर्स वाले जो 1.2 का एग्जांपल चल रहा है इसके पहले हमने 6 नंबर का एग्जांपल अपलोड कर दिया। अगर नहीं देखे तो पहले से चेक करके देख लीजिए। अब हम लोग 7 नंबर और 8 नंबर एग्जांपल कर रहे हैं। देखिए आपको 7 नंबर एग्जांपल जो दिया है वो बोल रहा है देखिए समान समुच्चय। अब समान समुच्चय का नाम आता है तब समझ लीजिए समान समुच्चय क्या है। समान समुच्चय क्या होता है, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव अगर ए में मिलता है तो एक दूसरे का समान अवयव कहलाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि समान समुच्चय का युग्म छांटिए, बताना है कि पांचों में चारों में कौन सा एक समान युग्म है। ठीक है, ऐसा ऐसा कौन सा युग्म होगा ये भी बताना है, समान युग्म छांटना है। ठीक है, सबसे पहले जिसमें कोण लगा है ना सबसे पहले उसको रोस्टर फ्रम में बदल दीजिए। इसे रोस्टर फ्रम में बदलने से फायदा क्या होगा, हमको मैच करना सुविधा हो जाए। ठीक है, जैसे ये रोस्टर फ्रम में बदला है ना उसी तरह ये बी वाले को भी रोस्टर फ्रम में चेंज कीजिए और बी को रोस्टर फ्रम में चेंज कीजिए। देखिए कह रहा है कि एक्स कोलन एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स दो काम कर रहा है, एक तो एक्स कोलन एक्स है ही साथ में कह रहा है कि एक्स का जो मान होना चाहिए वो 15 से बड़ा होना चाहिए और कह रहा है और में कह रहा है कि और एक्स का मान 5 से छोटा भी लेना है। अब कह रहा है कि एक्स का मान 15 से बढ़ा लीजिए और फिर कह रहा और साथ में ये भी बता रहा है कि एक्स का मान 5 से छोटा भी लेना। अब देखो ये ऐसा संख्या है जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, इसका मतलब होता है कि एक्स का मान 15 से बड़ा लेना है और साथ में कह रहा और एक्स का मान 5 से छोटा भी लेना। जब 15 से बड़ा लेंगे तो 5 से छोटा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई भी अवयव इसमें नहीं दिखेगा, यानी इसका खाली ब्रैकेट खाली रहेगा क्योंकि कोई भी ऐसा अवयव इसमें नहीं मिलेगा जो एक्स का मान 15 से तो बड़ा हो जाए लेकिन 5 से 7 में छोटा भी होना चाहिए, ऐसा कोई भी अवयव नहीं है, ऐसे खाली मझला ब्रैकेट हो जाएगा। अब उसके बाद इसका अगला देखते हैं और इसको रोस्टर फ्रम में चेंज कीजिएगा या कर तो देखिए इसका अगर सी को रोस्टर फ्रम में चेंज कीजिएगा ना तो देखिए क्या मिले, कह रहा है कि एक्स कोलन एक्स माइनस 5 = 0 तो इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व देखिए यहाँ पर एक्स दो काम करें कोलन का भी काम करें और एक्स माइनस 5 = 0 और इसको सॉल्व कीजिए एक्स माइनस 5 = 0 तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी इसमें एक सी का वैल्यू क्या है केवल 5। उसी तरह अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए यहाँ पर भी एक्स कोलन एक्स दिया है जहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 25 तो यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू आप रोस्टर फ्रम में लिख दीजिए क्या हो जाएगा रोस्टर फ्रम में और इसका रोस्टर फ्रम में डी का मान लिखिएगा देखिए क्या हो जाएगा सॉल्व एक्स स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर को बराबर का बार भी √25 इसका वर्गमूल निकालिएगा तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 5 हो जाएगा, यानी एक बार प्लस में 5 एक बार माइनस में 5 हो जाएगा ना। देखिए हमने रोस्टर फ्रम में लिख दिया इसको, अब उसी तरह इसको भी रोस्टर फ्रम में लिखेंगे तो कह रहा है कि एक्स को एक समीकरण दिया हुआ है, कौन सा समीकरण है द्विघात समीकरण है, कह रहा है कि वो भी एक धन पूर्णांक लेना है केवल धन पूर्णांक, धन जो भी इसका वैल्यू आएगा तो केवल प्लस वाला ही एक्स का वैल्यू ले रहा है वो भी धन पूरा, तो ये इसका गुणनखंड तोड़ते हैं और इसका गुणनखंड तोड़ा जाएगा तो देखिए एक्स स्क्वायर आप चाहे चाली नियम लगा लीजिए चाहे गुणनखंड भी इसे लगा लीजिए तो तोड़िएगा देखिए आप 15 देखिए आ गया आराम से। अगर मैं यहाँ से 5 × 15 अगर 2x 5x में से प्लस का 3x घटा दूँ यानी माइनस 5x में प्लस 3x जोड़ दूँ तो आपको माइनस का आ जाएगा। देखिए नियम क्या हुआ, प्रथम पद से तृतीय पद में गुणा करते हैं आप सटीक बैठा भी सकते हैं कि ये घटाइए तो माइनस 2x आ जाएगा, ये दोनों को गुणा कीजिएगा ना तो प्रथम पद और तृतीय पद के गुणा पद आइए दिखाइए देते हैं यहाँ पर देखिएगा तो एक देखिए हमने एक्स स्क्वायर से अगर माइनस 15 में गुणा कीजिए तो माइनस का 15x² और द्वितीय पद को जोड़ा ऐसा घटाया जाता है तो हमने कहा कि यहाँ पर रख दीजिए माइनस 5x प्लस का 3x ये घटेगा तो माइनस 2x गुणा देखिए माइनस 5x गुणा कीजिएगा माइनस 3 प्लस का 3x आपको आएगा माइनस का 15x² अगर आना देखिए तृतीय पद के बराबर नहीं हो रहा है अब आसानी से हम इतना का जगह पर इतना पुट कर सकते हैं, हमने वही पुट किया है यहाँ से x कमन करें तो x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ से अगर आप 3 कमन करते हैं तो x माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0 सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको एक x माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि 5 दोनों मैच कर रहा, देखिए ये भी मैच कर रहा है ये भी मैच कर रहा कर रहा ना और यहाँ से कमन कीजिए तो x माइनस 5 आइए क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 3 बराबर 0 यानी एक्स माइनस 5 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या आ गया 5 इसको कीजिए एक्स प्लस 3 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या आ गया माइनस 3 लेकिन हमको करना क्या है हमको एक धन पूर्णांक लेना है, धन पूर्णांक मैंने केवल प्लस वाला वैल्यू यानी इसका जो बनेगा ना इसका जो बनेगा ई वो धन पूर्णांक इसमें धन पूर्णांक में कौन सा आया क्योंकि एक्स वाला प्लस में आया माइनस वाला तो लेना ही नहीं है इसमें क्या हो जाएगा केवल इसमें केवल आपको हो जाएगा 5। अब कह रहा है कि बताइए ये 5 देखिए हमने इसका रोस्टर फ्रम बदल गया है इसका भी रोस्टर फ्रम में है ये भी रोस्टर फ्रम में ये भी रोस्टर फ्रम में और ये भी रोस्टर फ्रम में तो कैसे चिन्ह बनाएंगे, कह रहा है कि समान समुच्चय ढूंढना है। देखिए क्या ए का वैल्यू इसमें कहीं मैच कर रहा है, ए का अवयव किसी में मैच कर रहा है, देखिए बी में भी नहीं है सी में भी नहीं है डी में भी नहीं है ई में भी नहीं है नहीं
यानी आप देख सकते हैं कि ए किसी भी अरे के समान नहीं है, यानी कह सकते हैं ए जो पहला कंडीशन होगा ना, चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं ए आपको समान नहीं होगा, क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी, फिर ए इज नॉट इक्वल टू सी, उसके बाद ए इज नॉट इक्वल टू डी, ए इज नॉट इक्वल टू आपको ए हो जाएगा, यानी किसी भी इसमें समान अवयव, इसका मतलब समझते हैं ना, ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बी के समान अवयव नहीं है। उसी तरह यह पहला का जवाब हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा का देखिएगा, तो दूसरा का देखिए इसमें बी वाला किसी से मैच कर रहा है, तो बी में देखिए ब्रेकेट, क्या ये किसी से मैच कर रहा है, देखिए मिलाइए क्या किसी में केवल ब्रेकेट फाइव, इसमें इसमें किसी देखिए इसमें तो या इसमें देखिए इसका इसमें पूरा नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा इसमें तो जीरो भी नहीं है, खाली ब्रेकेट देखिए किसी में खाली ब्रेकेट, केवल ब्रेकेट जो है वो किसी में नहीं है, किंतु तो क्या हो गया यह, तो बी वाला भी आपको किसी भी मैच नहीं कर रहा है, यानी आपको बी आपको ए में भी नहीं मैच करेगा, बी आपको आपको सी में भी मैच नहीं करेगा, बी आपको आपको ई में भी मैच नहीं करेगा, अब बी आपको डी में भी मैच नहीं करेगा, ई तक है ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं अब सी को देखेंगे, तो सी देखिए सी का अवयव आपको केवल आया है फाइव, देखिए फाइव किस में, तो देखते हैं कि हमारा सी जो है ना वो ए से भी मैच नहीं करता, फिर हमारा सी बी से भी मैच नहीं कर रहा है, देखिए क्यों मैच नहीं कर रहा है इसको देख सकते हैं, क्योंकि सी का अवयव केवल फाइव है, क्या इसमें फाइव दिया नहीं दिया, हाँ सी का पूरा अवयव ए में मिलता, ए का पूरा अवयव अगर सी में मिलता तब ये दोनों समान हो जाता। अब देखिए उसी तरह डी से ये करेंगे तो आपको सी जो है ना वो डी से भी मैच नहीं कर रहा, हाँ एक चीज मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं सी ई से मैच करेगा, क्योंकि ई में कितना है फाइव और सी में भी कितना है फाइव, देखिए ई और सी मैच कर रहा है ना दोनों, इसमें भी फाइव है इसमें भी फाइव है, यानी एक चीज इसमें बराबर है, क्या बराबर है ई, आपको कह सकते हैं कि सर सी बराबर है किसका, ई का, सी बराबर है ई का, यही आपको इक्वल है ठीक है। उसके बाद आते हैं डी नंबर को देखते हैं, डी नंबर का देखा जाएगा तो यहाँ पर देखिए डी नंबर में कह रहा है कि बताइए यहाँ पर देखिए हमने डी का वैल्यू यहाँ पर निकाला है, ये देखिए किससे मैच कर रहा है डी के वैल्यू, देखिए डी आपको और डी का देखिए डी ए से भी मैच नहीं कर रहा है, डी आपको बी से भी मैच नहीं कर रहा है, डी सी से भी मैच नहीं कर रहा है और डी आपको ई से भी मैच नहीं कर रहा है, या आपको चारों में से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, और है तो बोली कोई है मैच कर रहा है आपको, देखिए डी किसी और से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि आप फाइव माइनस फाइव किसी भी अवयव में नहीं, ना ई में आया ना ही आपको सी में आया ना ही आपको बी में आया ना ही आपको ए में आया। उसी तरह अब निकालेंगे आपको ई नंबर को, अब ई नंबर चेक करना तो आइए ई को देखते हैं, तो ई देखिए ई आपको ए से मैच नहीं करेगा, करेगा नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखिए ई आपको बी से भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि ई का अवयव बी में भी नहीं है। उसी तरह ई आपको सी से, देखिए क्या ई सी से मिलेगा, देखिए ई का वैल्यू सी, तो सी का रोस्टर फॉर्म यही है ना, ई का ही है, देखिए इसमें भी फाइव है इसमें भी फाइव है, मैच करा तो ई बराबर सी हो जाएगा, फिर आपको ई मैच नहीं करेगा किससे, डी से, तो इसमें यह आपको इक्वल समान आएगा हो जाएगा, हो जाएगा ना। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिए, आइए हम इसके बाद वाला जानते हैं। इसके बाद वाला में देखिएगा तो बहुत सिंपल दिया है, उसमें भी आपको देखना है कि समान अवयव है कि नहीं, वही छाटना आपको करें, बताइए कौन सा कौन युग्म युग्म समान है, बताना है कौन सा युग्म समान है ठीक है, इसमें भी समान समुच्चय समझना है, ये आपको एक नंबर होगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, जो देखिए आपको पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है एक्स कोलन एक्स शब्द एक शब्द एलवाय है एलवाय ठीक है अलाव है, कह रहे कि अक्षर का समुच्चय, साथ में एक और बात कर रहा है इसने, कह उसके बात कर रहा तथा बी में भी आपको लिखा है कि बी जो है ना उसमें भी आपको लॉयर शब्द लिखा है, बी जो शब्द है ना शब्द इसमें लॉयर शब्द लिख दिया है एल ओ वाई ए एल लॉयर लॉयर के अक्षरों का समुच्चय समुच्चय, आइए हम देखते हैं, कह रहे इसमें दो शब्द लिखना है, एक बार एलवाई में आपको चेक करना है और एक बार लोया है,
लॉयर में दोनों में देखना है क्या है, दोनों ए और बी जो दिया है सब क्या ये समान समुचे हो पाएगा। और देखिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए ग्रामर को सॉल्व करने, देखिए एलवाई का जो अलाव है इसको अगर आप चेंज कीजिएगा रोस्टर फॉर्म में तो इसका देखिए क्या होगा, इसका हो जाएगा जानते हैं रोस्टर फॉर्म में किसी भी अक्षर को डबलिंग नहीं लिखा जाता, तो देखिए अलाव को लिखिएगा तो ए हो जाएगा, एल हो जाएगा, ओ हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ये आपको तो ए का वैल्यू हो गया, हो जाएगा ना। उसी तरह अगर बी को निकालिएगा, बी शब्द को, बी शब्द में लॉयर शब्द है ना इसको चेंज कीजिए, और बी को चेंज कीजिएगा तो देखिए बी का आपको हो जाएगा एल हो जाएगा, ओ हो जाएगा, वाई हो जाएगा और आपको ए हो जाएगा। देखिए क्या मैच कर रहा है, देखिए ए है तो ए इसमें भी है, एल है तो एल भी है, ओ है तो ओ भी है और वाई है तो वाई भी है। आप जानते हैं कि इसमें किसी भी संख्या को डबलिंग नहीं लिखा जाता रोस्टर पर, तो आप चेक कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं ए बराबर बी है, यानी यह समान क्या है, समान समुचे है। उसी तरह इसके बाद वाले को आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि समान समुचे है या नहीं, वो आप लोगों को होमवर्क में रहेगा ताकि आप घर से उसको सॉल्व कर सकें। जय हिंद, जय भारत।